भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। फूलों की तरह खिलते रहो, मुस्कुराते रहो। तमाम यूट्यूबरों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और सबके अल्लाह ताला चैनलों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तमाम मिलने जुलने वालों को, अजीज रकाब को बहुत बहुत सलाम। तमाम लोगों की अल्लाह ताला परेशानियों को दूर करना, तमाम लोगों को खुशहाल कर देना, हर एक की परेशानी को दूर करके खुशहाली की तरफ ले आना। अल्लाह ताला से जो मांगना मिल सकता है, अल्लाह ताला से फरमाइश करो जिस चीज़ की। अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा मुझे इसे, मैं एक बार मांग के तो देखो मैं कितना अता करता हूँ। पर बंदे जो है ना शुक्र हैं, वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी नहीं होते। अगर वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। हर हाल में अल्लाह ताला तो राज़ी हो सकता। अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए कि अल्लाह की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अल्लाह ने देखो दुनिया में क्या बनाया, मलेरिया अनाज उगाया, उससे एक गंदम के दाने से 100 दाने बनाए हैं। अल्लाह ताला ने हमें खाने पीने की ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा जो हमारी सोच से भी बढ़ गया, और इतनी नेमतों से नवाजा जो हमारे लिए दूध है, जैसे चाय है, चीनी है, दूध पत्ती है, इतनी अशियाँ दुनिया की, कौन कौन सी अशियाँ, को ऐसे ऐसे फल हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, मेरे अल्लाह ने हमारे लिए भेजे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं यह हैंड बैग लेकर आई हूँ, देखो जेंट के हिसाब से बहुत बेस्ट है, जेंट ने लिया हुआ बहुत ही हसीन है। ये भी जेंट के लिए है, ये जेंट इसीलिए ये वाले बैग लेते हैं। इनका ऑफिस का सामान बहुत ज़्यादा होता है, वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, इनकी बहुत सारी एशिया सामान इस किस्म के हैं। डॉक्टर साहब को भी अपना सामान सारा बैग में रखना होता है, इसलिए उनका बहुत सामान होता है। मरीज को चेक करने जब जाते हैं तो वो भी, जब घर से हॉस्पिटल जाते हैं तो वो काफ़ी अपना सामान, अपनी फाइलें वगैरह लेकर जाते हैं मरीज को चेक करने के लिए। तो इसमें हमारी लेडीज़ की भी बड़ा हाथ है, हमारी लेडीज़ की हर मुश्किल आसान कर दी बैगों ने। इन बैगों ने पहले तो और मैं कोई बैग नहीं होते थे, लोग अपने थैलों में लेकर सारा सामान ले आते थे। आज के दौर में बैगों में इतनी पॉकेटें हैं कि तमाम पॉकेटें में हमारी अलग अलग एशिया रखी जाती है। किसी पॉकेट के अंदर हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, किसी पॉकेट में हमारा ATM कार्ड होता है, किसी पॉकेट में हमारी डायरी होती है, किसी पॉकेट में हमारा पेन होता है। इसी तरीके से हमारी तमाम एशिया में होती हैं। बकाया रह गया मेकअप का सामान, छोटा पर्स लेकर उसमें अपना मेकअप का सामान रख कर अपने हैंड बैग में रख लो, बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। आज के दौर में मेडिसिन भी रखना बहुत ज़रूरी है, उसकी स्पेशल से एक पॉकेट होती है जिप वाली, उसके अंदर अपनी मेडिसिन रख कर ले जाओ, ताकि आपको अपनी मेडिसिन के लिए कोई परेशानी, कोई टेंशन ना कर उठानी पड़े। ये देखो जेंट भी स्टाइलिश अपना बैग लेकर जा रहा है, इसको भी स्टाइलिश बैग लेने का शौक है। ठीक है, मर्दों के भी आखिर सीने में दिल है, उनका भी दिल करता हमारा भी स्टाइलिश बैग। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों से शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बता देना आज के हमारे हैंड बैग एडवाइस कैसी लगी। गलती और भूल चूक की माफ़ी चाहती हूँ, अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता, बंदे तो कैसे नहीं माफ़ करेंगे। बंदों को चाहिए हम सबसे पहले माफ़ करें, और हमें हमारे चैनल का बटन दबाएँ, और सदका जारिया की नीयत से जब भी कोई काम करें सदका जारिया की नीयत से। तमाम बहन भाइयों के चैनलों का बटन ऑन करके उनके सदका जारिया की नीयत से आगे भी दोस्त आपको कहे, ताकि किसी का चैनल आपकी छोटी सी सब्सक्राइब करने से चल जाए, उनका रोज़ी का दरवाज़ा खुल जाए। आपकी शुक्रिया होगा, बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।